खबर रीवा जिले से है, जहां जल संसाधन विभाग रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम त्रिपाठी ने रीवा के किसानों को लूटा है। भ्रष्ट और दागी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी पर मेहरबान जल संसाधन विभाग ने रिटायर होने के बाद भी संविदा नियुक्ति की है। नहर निर्माण कंपनी एचईएस इंफ्रा को खुली छूट दी गई थी, 6 साल बाद ब्लैकलिस्ट तो किया लेकिन जुर्माना नहीं लगाया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सीएम त्रिपाठी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि भ्रष्ट चीफ इंजीनियर की लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जांच करे। दरअसल जल संसाधन विभाग एवं गंगा कछार परियोजना रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी की कार्यप्रणाली और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता गंगा कछार सीएम त्रिपाठी की 2 बार की गई संविदा नियुक्ति को लेकर शिवानंद द्विवेदी ने कहा है कि सीएम त्रिपाठी पहले ही बाणसागर परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं। इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में एचईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को इस परियोजना में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा न किए जाने के लिए पूरी तरह से रीवा जिले के तत्कालीन सभी चीफ इंजीनियर जिम्मेदार हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि 239 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही त्योथर बहाव परियोजना 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट अनुसार वर्ष 2016 में पूरी की जानी थी, लेकिन पूरे 9 वर्ष बाद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका और जितने भी चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता प्रभार में आए किसी ने भी निर्माण कंपनी के ऊपर कार्यवाही नहीं की और ना ही कोई जुर्माना लगाया। कमीशन खोरी के चक्कर में पूरे मामले को दबाया गया और जब पानी सर के ऊपर निकल गया तब 9 साल बाद जाकर एचईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया और साथ में कोई जुर्माना भी अधिरोपित नहीं किया गया, जबकि निविदा की शर्तों का पालन न करने पर निर्माण कंपनी की बैंक सुरक्षा गारंटी की राशि भी जब्त की जाती है। पूरे मामले पर जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, तुलसी नगर भोपाल सहित मंत्रालय स्तर पर सवाल खड़ा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि सबकी मिली भगत और कमीशन खोरी से एक भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता को संविदा में चीफ इंजीनियर का प्रभार देते हुए विंध्य के किसानों और नागरिकों का शोषण किया गया है। 239 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली त्योथर बहाव परियोजना का कोई भी उपयोग ना तो अब तक संभव हो पाया और ना ही भविष्य में होगा, क्योंकि पूरी परियोजना में ही गड़बड़ी है। एक्टिविस्ट द्विवेदी ने बताया कि जब तक किसी जिम्मेदार चीफ इंजीनियर की नियुक्ति जल संसाधन विभाग रीवा में नहीं होती जो पूरे कार्य को सही तरीके से मॉनिटर करे, तब तक रीवा के किसानों को इन नहरों से पानी नहीं मिलेगा। देखिए पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आगे क्या कहा है। बाणसागर परियोजना जो रीवा जिले, रीवा संभाग को एक तरह से पानी उपलब्ध करवाएगी, ये स्कीम बहुत पुरानी है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे रीवा जिले के जो किसान हैं और लोग हैं, शायद उनको बहुत कम ये जानकारी होगी कि जो बाणसागर परियोजना है उसमें से जो त्योथर बहाव परियोजना है, जिसमें से 40,050 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र डेवलप किया जाना था, वर्ष 2013 में इसकी निविदा हुई थी, और फिर इसी तरह से एक माइक्रो इरिगेशन 800 करोड़ की है जो नई गढ़ी की परियोजना है, उसके अनुसार भी बहुत सारा काम यहाँ पर किया जाना है, जिसमें से बहुत सारा वंचित जो क्षेत्र है उसमें डेवलप किया जाना है। इन सब को लेकर के एक सबसे विचित्र बात यह है कि रीवा जिले में अभी तक जो मुख्य अभियंता हुए हैं, मुख्य अभियंता ये बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। जैसे एक सीएम त्रिपाठी मुख्य अभियंता हैं, ये गंगा कछार जल संसाधन विभाग के, इनकी पूरी कार्यप्रणाली जो है हमेशा ही प्रश्न के दायरे में रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर FIR भी है बाणसागर परियोजना को लेकर के, इनके ऊपर कोर्ट ने स्वयं, यानी कि हाई कोर्ट जबलपुर ने इनके विषय में यह टिप्पणी की है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर यह पद दिया गया, यानी कि मुख्य अभियंता का पद दिया गया, जबकि यह इस पद के लायक ही नहीं है। इस पर शासन प्रशासन ने यह जवाब दिया है कि भविष्य में इनकी संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचिए कि HES इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिस कंपनी को, जो कंपनी 3 वर्ष में 40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित करना था, सिंचाई क्षेत्र, उसने मात्र 15,000 हेक्टेयर भी सही तरीके से नहीं विकसित कर पाई और 9 साल का समय लगा, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जब 4 वर्ष आप उस पद पर थे, मुख्य अभियंता के पद पर थे, 2 बार आपकी संविदा बढ़ाई गई, आप रिटायर होने के बाद आपकी संविदा बढ़ाई जा रही है, आप एक अक्षम चीफ इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर रहे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं,
तो आखिर किस आधार पर आपने इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया? जब आप थे, आपके पहले भी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने भी जुर्माना नहीं लगाया। क्या ब्लैक लिस्ट करना एक अंतिम विकल्प है? ब्लैक लिस्ट आपने किया, लेकिन उसमें सवाल उठते हैं कि आखिर क्या नेगोशिएशन आपका नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते, लेकिन आपने जुर्माना आरोपित नहीं किया। अब इसके बाद फिर इस कंपनी ने जा करके जल संसाधन विभाग तुलसी नगर में जो प्रमुख अभियंता थे, यहाँ पर मदन सिंह डाबर, इनसे इन्होंने इसमें रिलीफ पाई है और इनका निलंबन बहाल हुआ है। तो हम सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि जो मुख्य अभियंता हैं, इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए। जब तक एक अच्छा मुख्य अभियंता रीवा को नहीं मिलेगा जल संसाधन विभाग में, तब तक रीवा जिले में कोई भी सिंचाई परियोजना कभी भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ही व्यापक भ्रष्टाचार है।